एंड वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नई रेसिपीज पसंद आ रही हैं, और अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सपोर्ट करें। तो जल्दी से आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, आज मैं आपके साथ इस तरह का खिला खिला जर्दा पुलाव शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया बना है। तो इस तरह का जर्दा पुलाव या मीठे चावल अगर आप ट्राई करेंगे इस वीडियो से तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये मीठे चावल यानी कि जर्दा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। जर्दा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास चावल लिए हैं, और ये लॉन्ग ग्रेन राइस है, बासमती चावल है, लंबे वाले चावल जो होते हैं इससे जर्दा पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पर जो गिलास लिया है इसी से मेजर किए हैं सभी चीजें। तो एक गिलास चावल लिए हैं, इनको अच्छे से धो करके 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। भिगोने से चावल काफी अच्छे बनते हैं। तो चावल को भिगो करके हम साइड पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, जिसको कि मैंने इस तरह से दो पीसेस में स्लाइस कर लिया है। बादाम, एक एक बादाम के दो दो तीन तीन टुकड़े कर लिए हैं ताकि बिल्कुल क्रंची क्रंची मुंह में आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे। पिस्ता को मैंने इस तरह से बारीक चॉप किया है क्योंकि सिर्फ गार्निशिंग में यूज होगा। और किशमिश ली है एक मुट्ठी, इनको भी साफ कर लिया है मैंने। चावल को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इन्हें बॉयल होने के लिए रखेंगे। चावल के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और बॉयल होने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे तो चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। पानी बॉयल होने लगा है तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी लगभग मैंने 1.5 से 2 लीटर लिया था ताकि चावल अच्छे से बॉयल हो सके, क्योंकि हम चावल को 70% तक पकाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। और चावल को सिर्फ 15 मिनट ही भिगोना है क्योंकि इससे ज्यादा भिगोने पर चावल टूटने लगते हैं। बॉयल होते हुए ही मैं इसमें केसरिया फूड कलर डाल दूंगी, यहाँ पर 1/4 चम्मच लिया है मैंने, ताकि चावल में इसका अच्छा सा कलर आ जाए। आपको इस समय पर ये बहुत डार्क लग रहा होगा, बट चावल में इसका कलर बिल्कुल भी ज्यादा डार्क नहीं आएगा, जस्ट ये हल्के ऑरेंज से बनेंगे। अगर आप इसमें कलर का इस्तेमाल ना करना चाहें तो टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें बॉयल होने देंगे। मैंने चावल को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। और पैन ले लिया है मैंने, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, तो सबसे पहले बादाम डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना तले, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो बादाम गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप चाहें तो काजू भी साथ ही गोल्डन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ दोनों को अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि दोनों का जो टाइम है कुक होने का वो अलग है। अब हम काजू को भून लेंगे। जैसे ही काजू गोल्डन होने लगेंगे तो हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे, क्योंकि किशमिश को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमें रोस्ट करना है। बहुत ही जल्दी से कलर आ जाता है किशमिश पर। तो ये देखिए, किशमिश भी फूलने लगी है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। किशमिश को ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, अदरवाइज किशमिश कड़वी होने लगती है। किशमिश को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है। तो काजू, बादाम और किशमिश रेडी है, हम इनको साइड पर रख देंगे। और अब चावल को चेक कर लेंगे। देखिए, चावल में कलर आने लगा है। 5-7 मिनट में चावल 70% तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए, जब आप इन्हें इस तरह से दबाएंगे तो ये हल्का सा कच्चापन लगेगा आपको इसमें। इस स्टेज पर आपको 70-80% कुक करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो चीनी डालने के बाद ये चावल बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए 70-80% इन्हें जरूर कुक कर लें। मतलब ये खड़े रहने चाहिए, बट ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो ये सॉफ्ट और मशी नहीं है, हल्का सा टाइट है ये चावल जो है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे किसी और बर्तन में। गैस बंद कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से पानी इनका निकाल देंगे सारा। मेरे चावलों से सारा पानी जो है निकाल करके अलग कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम इन चावलों को पकाएंगे चीनी के साथ। मैंने यहाँ पर सेम पैन ले लिया है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे। 3/4 गिलास चीनी ली है, जिस गिलास से चावल लिए थे उसी गिलास से ली है, उसको डाल देंगे हम। गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल कम है, और अब हम इस चीनी में डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच पानी ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ मैं, और इसको एक बार हिला देंगे।
इस तरह से अगर चीनी मेल्ट हो जाएगी तो चावल अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। कई बार हम चावलों में चीनी इसी तरह डाल देते हैं तो चीनी के दाने रह जाते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और यहाँ पर है 2 टेबलस्पून दूध जिसमें कि केसर मैंने घोल करके रखा है। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, अगर आपके पास केसर हो तो ज़रूर डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर केसर मैं कलर के लिए नहीं सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दूध डालने के बाद गैस का फ्लेम हल्का सा बढ़ा दिया है जिससे चीनी जल्दी घुलेगी। तो ये देखिए चीनी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल। तो ये देखिए चावल को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। और अगर आप मीठा थोड़ा कम करना चाहते हैं तो चीनी के अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको एक बार हिला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। इस तरह से एक बार अलट पलट दें। तो हम इसे कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है मैंने इसे। अगर आप इसके नीचे फ्लेम तेज करेंगे तो चावल बीच में से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे इसी तरह से पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए अभी भी इसमें जो चाशनी है वो नजर आ रही है। ये देखिए चावल काफी मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी इन्हें हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। एक बार इसको हिला देंगे ताकि चीनी सारे में अच्छे से फैल जाए। तो इसमें मैं 3 से 4 कुटी हुई इलायची डाल दूंगी और इसमें आधे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से इसमें रम सकें। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो है मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। और इनको हम एक बार इसमें हिला देंगे हल्का सा। इनको फिर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए इसके जो बॉटम है यानी कि पैन के तले में कोई भी चाशनी नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब सारी चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है। और आप इस तरह से इसको चेक करेंगे अगर चावलों को, यहाँ पर पता लगेगा आपको कि ये पूरी तरह से कुक हो चुके हैं। तो हम इन्हें इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसे इसी तरह कवर किए हुए, तो अब हम ज़रदा सर्व कर लेंगे। ये देखिए वाह, ये देखिए किस तरह से इसका एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं हुआ, ये आपस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके दाने खिले हुए हैं और बहुत ही बढ़िया सा खिला खिला जर्दा बन करके रेडी हुआ है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो आइए हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सर्व कर लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनसे गार्निश कर देंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े क्रंची हैं इसलिए और भी ज़्यादा टेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता भी रख देंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया खिला खिला जर्दा बन करके रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह के मीठे चावल ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।